हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी समस्या दूर करने आ गया। एक्चुअली परीक्षा नज़दीक आ गई है, 6 माह परीक्षा। तो 6 मंथ एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से जो केमिस्ट्री का पोर्शन करवा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन मिलियन, उसको हम वाइस आगे बढ़ाते हैं। जो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉल्यूशन में एक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नार्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, और यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन है गॉयस, वो कौन सा है? अणु संख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज इसके अपन बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करने आए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चार अणु संख्या गुणधर्म है, चारों का एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पे अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन का एक यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको आप रीडिंग कर लीजिए 2 मिनट में। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो इतना घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसके क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन है। यदि जल का जो केबी है वो 0.52 किलो केल्विन प्रति मोल है, तो इसका अणु भार ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों जो जो राशियां दी गई हैं, देखो थ्योरी क्लियर है, यदि फॉर्मूले बहुत क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसा ही हम करते हैं। सभी राशियों को यहाँ पर लिखते हैं। विलेय का भार 12.5 ग्राम, जी विलेय का भार है। 170 ग्राम जल है, मतलब विलायक का भार, और विलायक को WA से दर्शाते हैं, 170 ग्राम। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी 0.63 केल्विन। जल का जो नियतांक होता है केवी 0.52, जल का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और निकालना क्या है? विलेय का अणु भार, क्वेश्चन मार्क लगा दें। और ये बगल में दोस्तों सूत्र लिखा हुआ है, इसका डेरिवेशन आप देख लें, जो हमने इसको सिद्ध किया है उसकी लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। MV बराबर KV WB गुणित 1000 बटे डेल्टा TB × WA। अब डेल्टा TB को हम TB-0 TB भी लिख सकते हैं। TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। 0 TB क्या है? विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का। तो इसमें अपन तेजी से इसके मान रखते हैं। KV का मान यहां से देख लीजिए 0.52, जो कि जल का नियत रहता है, हर विलायक का निश्चित रहता है। विलेय का भार है 12.5 ग्राम, 1000 जो है सूत्र के रखना है, और डेल्टा टीबी का मान 0.63 केल्विन है, और विलायक का भार कितना है? 170 ग्राम। देख लीजिए, इसको अपन कुछ को सॉल्व करते हैं। जैसे शून्य से शून्य ये मारा जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो बची हुई राशियों का अपन कैलकुलेशन अवश्य करेंगे। 52 12.5 × 100, यहाँ पे 63 और 17, इसको करेंगे तो ऊपर का जो कैलकुलेशन है लगभग 65,000 आता है। यहाँ ये देखिए, तो लगभग ये 60.6 ये आता है उस पदार्थ का मॉलिकुलर वेट, और यही हमारा आंसर होगा। यूरिया का अणु भार 60 के समथिंग होता है। कई बार दोस्तों ये नाम नहीं देते हैं यहाँ पे, अब अवाष्पशील विलेय बोल देंगे। तो सभी राशियों को एक एक करके रखना है, सभी की मात्रक मिलाना है। केवी जल का है 12.5, जो कम मात्रा है वो विलेय, ज्यादा मात्रा है वो विलायक। 1000 फॉर्मूले में रहता है, 0 0 कट गया, और ये देखो इस प्रकार से आ गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अपन एक 80.2 ग्राम जल और 0.52 ग्राम ग्लूकोज घोल कर विलयन बनाया गया। विलेय विलायक की पहचान तो हो ही गई होगी, कम मात्रा किसकी है? 0.52 ग्राम। ज्यादा मात्रा किसकी है? विलायक की, 80.2 ग्राम। Kf का मान कितना है? 1.86। जिस प्रकार क्वथनांक उन्नयन में Kb होता है,
ऐसे हिमांग का बना उनमें केएफ होता है, मोलल हिमांग अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक नियतांक, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बाकी मेरे यहाँ पर और क्या करना है, हाँ यहाँ पर देखो डेल्टा टी एफ का जो सूत्र है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें दोस्तों विलायक देखो जलीय विलयन है तो जल का हिमांक अपन खुद आना चाहिए, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर जो विलयन का हिमांक ज्ञात करना है वो हमें निकालना है। कितना निकालेंगे हिमांक, हमारे पास ये जीरो टी एफ की वैल्यू है कितनी 273 केल्विन हिमांक, और निकालना क्या है टी एफ, और इसका जो डिफरेंस है वो हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं फॉर्मूले में रख के। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है देखिए, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर की एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 यहाँ पर बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। अब एम बी का मान अपन निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर एम बी का मान बढ़े डेल्टा टी एफ 273 माइनस टी एफ बराबर 1.86, के एफ का मान आ गया 1.8, विलेय का भार कितना है 0.52, 1000 सूत्र का रहेगा, एम बी कितना है ग्लूकोज कणु भार 180 होता है, और विलायक का भार कितना है 80.2, ये पूरा वो न्यूमेरिकल है 80.2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करना है तो हम जो निकालेंगे वो जो है 273 माइनस टी एफ, उधर का पूरा सॉल्व आप कर लीजिए अच्छे से एक रफ पेज पर, और इसकी जो वैल्यू आती है 0.067 करीब आती है, तो कैसे निकालेंगे टी एफ को उधर ले जाएंगे 273 माइनस 0.067 घटा देंगे, ये टी एफ आ जाएगा, ये जो है टी एफ की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप टी एफ को निकाल लीजिए 272 कुछ 0.9 समथिंग आएगा केल्विन में, मतलब कम हो जाएगा हिमांक के अंदर। तो विलायक का भार कौन सा है इसमें 80.2, विलेय 52, देख लीजिए इसको ध्यान से, और यहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर लगाना है हिमांक में अवनमन का, इसमें अपन को वैल्यू दी जैसे यहाँ के भी दी यहाँ के एफ दिया है। इसी क्रम में दोस्तों अपन एक और सवाल आगे बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री ताप पर पराशर दाब ज्ञात करना है, जबकि ग्लूकोज के लिए अणु भार 180 है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। इसमें एक नया थ्योरी लग रही है, 5% दिया है, मतलब विलेय 5 ग्राम है और विलायक 100 ml, आयतन चाहिए पड़ता है दोस्तों 100/1000, इसको लीटर में कर लिया, लीटर में क्यों किया, एक्चुअली जो आर है ना, आर है बिलियन नियतांक, उसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटम केल्विन प्रति केल्विन प्रति मोल। दोस्तों 11वीं का जो आदर्श गैस समीकरण है वो यहाँ बिलियन में बिलियन स्थिरांक बन गया है, वहां सार्वत्रिक गैस नियतांक था, तो इसमें ये लीटर है तो आयतन लीटर में चाहिए, जो एटीएम है तो पराशर दाब एटीएम में आएगा, जो ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल, मतलब राशियां मिलाना पड़ेंगी, तो यहाँ ताप डिग्री में दिया 25 डिग्री 273 जोड़ दिया 298 केल्विन, अणु भार 180 दिया है, और तेजी से हम पराशर दाब की वैल्यू इसमें रखते हैं, कितना है विलेय का भार देख लीजिए आप 5 0.0821 टेम्परेचर 298, देखते जाए अणु भार कितना है ग्लूकोज का 180 और यहाँ 0.1 लीटर, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है कैंसिल करने के बाद दशमलव लगभग 6.8 एटीएम आती है, जो कि क्या है इसका पराशरण दाब। तो देखो सबसे पहले तो परसेंट देखना है,
5% का मतलब बिलय का भार कितना है, बिलय का बिलियन का आयतन कितना है, और सबसे बड़ी बात मात्रक, ये लीटर में, ये भी लीटर में, आंसर एटीएम में है क्योंकि एटीएम ताप डिग्री में था, हमने केल्विन में कर दिया। तो आ रहा दोस्तों समझ में, और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि यहाँ पे जो है जरूर इसमें एक्स्ट्रा चीजें हम दे रहे हैं आपको। एक और न्यूमेरिकल है वाष्प दाब में अपनवन का, निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। जैसे एटीएम होता है बार भी ताप का मात्रक है। बिले के 0.5 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में मिलाए जाते हैं तो बिलियन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, अणु भार। देखिए जमा लिया मैंने सवाल को, बिले 0.5 और बिलायक 39 ग्राम है 39, और बिलायक का अणुभार 78 दिया है, बिले का अणुभार निकालना है शुद्ध बिलायक का और ये बिलियन का वाष्प दाब। बगल में हमारा फॉर्मूला लिखा है, इस सूत्र से हम हल करेंगे, इसको आप यूज कर लीजिए इस फॉर्मूले को। यहाँ पर रखेंगे अपन, कितना रखेंगे, 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.85, ठीक है, ये रख लिया। और यहाँ बिलय का भार कितना है 0.5, अणु भार कितना है विलायक का 78, यहाँ विलायक का भार कितना है 39 ग्राम है, और यहाँ पर निकालना है दोस्तों वाष्प दाब में अपने हमने दोनों अणु भार रखे जाते हैं, विलायक का भी और बिलय का भी, तो गणना किसकी कर रहे हैं, बिलय की। इसको घटा लेंगे अपन तो ये जीरो मान लेंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 5 में 4 गए, 1 बचे, यहाँ पर जीरो, ये देखिए। और यहाँ पे आ रहा है 0.085, और यहाँ पे आप पूरा ये कैलकुलेट, इसको दो बार कट जाएगा, ये 2 टाइम्स 0.5 इंटू 2, और यहाँ पर एम भी आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप। तो इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे, मैंने किया है, आप रफ पे करिए, 170 करीब आता है, ये आपका अणुभार है उस बिलय पदार्थ का, अणुभार है जिसको बेंजीन में घोला गया है। तो दोस्तों ये वाष्प दाब में अपनवन का एक न्यूमेरिकल हुआ, इसमें पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए बिलियन का वाष्प दाब, और डब्ल्यू ए बिलय का भार, एम ए विलायक का अणुभार, डब्ल्यू ए विलायक का भार, एम बी बिलय का, जहाँ बी लगता है वो बिलय होता है, यहाँ ए लगता है वो विलायक होता है। तो न्यूमेरिकल करते समय अपन को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ नहीं, ऐसे दिए गए सवाल में पहले ये छांटना क्या दिया गया है, उनके मात्रक मिलाना, मात्रक अलग अलग ना, गणना में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन, वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं था एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छे से कर लें, और स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन भी तरीके से कर लीजिए, स्पेस के कारण मैं कैलकुलेशन पर्याप्त नहीं समय दे पा रहा हूँ इस कारण से। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर मैं पढ़ाता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।